हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी, मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। आप देख रहे हैं जे जे न्यूज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सेंट पॉल पैरिश महमूदाबाद के अंदर, और यहां पर आज नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस ने फोर्स कन्वर्जन के हवाले से एक सेमिनार मुनक्कद किया है, जिसमें हमारी नौजवान का जो यूथ है उनको मदु किया गया है। तो आइए आपको अंदर का अहवाल बताते हैं कि यहाँ पर आज जो सेमिनार चल रहा है उसकी क्या अपडेट्स हैं। थैंक यू। जो कि पाकिस्तान भर में सबके लिए काम कर रहा है, उसका कुछ तारफ करवाता चाहिए। इसकी आवाज़ में ना डिस्टर्ब हो गई है, वहाँ पर इसकी आवाज़ डिस्टर्ब हो गई। हेलो, आवाज़ आ रही है सबका? सब तक ओके। कैथलिक कमीशन बराए अमन इंसाफ CCJP एक इंसानी हकूक का इदारा है, जिसे सन 1985 में पाकिस्तान कैथलिक मिशन कॉन्फ्रेंस ने कायम किया। एक एडवोकेसी तंजीम के तौर पर कैथलिक कमीशन पाकिस्तान में पसमानदा अफराद, खासतौर पर मजहबी अकलीतों, खवातीन और मजदूरों के हक के लिए काम करता है, जिसमें कानून और पॉलिसी असलाहत के बारे में अदाली रायामा के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के काम शामिल। CCJP अपने बहुत से प्लेटफॉर्म पे बहुत से ऐसे वाकयात हो रहे हैं जहां हम भाग दौड़ते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट हमारे पास कुछ नहीं आता, क्योंकि जो पाकिस्तान के कानून में जो ड्रॉबैक्स है उनके बारे में भी बात की जाए। क्योंकि जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा है कि शादी हो जाएगी तो आपको क्या करना है, उसके लिए खुला जाके फाइल करनी पड़ेगी, फिर यानी कि आप उसको शादी को शादी मान रहे हो, इवन दो वो माइनर की शादी है। लेकिन जो 1973 का आईन है वो आपको क्या बताता है कि आपकी क्या क्या लीगल राइट्स हैं? क्योंकि अगर आपको अपने ही, अगर मुझे मेरे लीगल राइट्स ही नहीं पता तो मैं उनके लिए कैसे आवाज़ उठाऊंगी कि यहाँ मेरा लीगल राइट है जो वो सल्ब हुआ है। तो इनके एक जस्ट गो थ्रू करते हैं कि कौन कौन से लीगल राइट्स हैं जो वो हमारे हैं। लीगल फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जब आप बच्चियों की शादी करते हैं तो आप ये भी देखें कि हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर मेजर थैलेसीमिया पैदा हो रहे हैं। हम देखते हैं कि या तो वो बच्चे जो जिस हस्बैंड से शादी होती है वो शुरू से इम्पोर्टेंट है, वो नामर्द है, वो शादी के काबिल नहीं है। लेकिन क्या है कि हम इस चीज़ के लिए बात करना ही फैमिलीज़ में गैर मुनासिब समझते हैं। उस बच्चे का या बच्ची का अगर हम जब जहेज की लिस्टें दी जाती हैं कि ए भी मैनू चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ दैट के हम वो डिमांड करें, हम ये बोले हेपेटाइटिस के टेस्ट कराओ, उसकी इम्पोटेंसी के टेस्ट कराओ, उसकी फर्टिलिटी के टेस्ट कराओ। अमेरिका एक पुलिस ऑफिसर, क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर, और जिसने जो है ख़ुदकुशी कर ली, और ख़ुदकुशी करने से पहले अपने जो कमरे के मिरर में एक नोट लिखा कि अम्मी बराए करम मेरी बेटियों की शादी एक ज़िम्मेदार शख्स से करना। तो आज हम जब क्रिश्चियंस मैरिज की बात कर रहे हैं, हम फोर्स कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि हम इस वाक्य को भी जाहिर करें कि जब आप बेटियों की शादी कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट को भी ख़त्म कर दे। हूँ तुम मर हूँ तेरी लाश ही आनी है, हूँ तेरी डोली जा रही है तो लाश ही आनी है। वी हैव टू फिनिश दिस टाइप ऑफ द, ये जो टैबू जो मौजूद है ना इसको ख़त्म करना है। अगर उस लड़की ने, उस हिंदू लड़की ने शादी करने से इनकार किया, कौन उसको लेके जाने जा रहा था? एक मुसलमान लड़का उसको शादी के लिए लेके जाना चाह रहा था, उस लड़की ने इनकार किया, उसके इनकार की वजह से उसको अपनी ज़िंदगी से जान जो है वो जान देनी पड़ी। आई मीन हमारा जो सेमिनार है उसमें तीन अल्फाज जो हैं मेंशन किए गए हैं, पहले नंबर पे अबडक्शन, दूसरे नंबर पे फोर्स कन्वर्जन, और तीसरे नंबर पे फोर्स
मैरिजेस। एक चीज़ याद रखें, हमारे मुल्क का जो कानून है उसमें 18 साल बिल्कुल वाज़े तौर पे मेंशन किए गए हैं। सिंध में 18 और 16 कहाँ है? पंजाब में और दूसरे सूबों में। होता क्या है, बड़ी ऑब्जर्वेशन है हमारी चीज़ों में, जिन लोगों ने शादी करनी होती है 16 साल या 18 साल से कम लड़की के साथ, या उसको अबडक्शन किया जाता है, उसको जो है वो किडनैप किया जाता है, वो क्या करते हैं, सिंध में निकाह नहीं करते, वो किसी दूसरे। जी मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट पॉल पैरिश के अंदर, और आज हमारे साथ एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ मौजूद हैं। और यहाँ पर फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जो है वो सेमिनार का इनेकाद किया गया था, और यूथ को जो है वो इस फोर्स कन्वर्जन के हवाले से और प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो स्पेशली ट्रेनिंग दी गई और सेशंस उनके साथ शेयर किया गया। तो हम मैडम से पूछते हैं कि आज उन्होंने यहाँ पर कैसा उनको लगा और क्या उनके व्यूज़ हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। क्योंकि जो हमारी यूथ है वही हमारे हर कौम का, मुल्क का जो है सरमाया होती है। तो जब हमारे बच्चों को अपने लीगल राइट्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी कि जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर कोई फोर्स मैरिजेस होती हैं, फोर्सफुली कन्वर्जन होती है या अबडक्शन होती है, तो उसके लिए किस प्लेटफॉर्म पर जाके वो आवाज़ उठा सकता है उसके लिए। जी आप देख रहे हैं जे जे न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। हमारे साथ नुमान भाई मौजूद हैं जिनका ताल्लुक NCJP से है, और वो आज यहां पर सेंट पॉल पैरिश के अंदर फोर्स कन्वर्जन के हवाले से, मैरिजेस के हवाले से जो है सेमिनार का इनेकाद किया गया था, उसके हवाले से इनके व्यूज़ लेते हैं। जी शुक्रिया, सबसे पहले JJ TV का शुक्रिया जो यहाँ पर आए और उन्होंने इस अहम इशू के लिए मीडिया के ज़रिए आवाज़ बुलंद करने की सोची। आज का सेमिनार जो था वो समाजी आगाही था। दरअसल हमारे माशरे में कई तरह के वाक़यात हो रहे हैं, उसमें से एक बड़ा जो टॉपिक है, जो इशू है, वो जबरी तब्दीली मज़हब और जबरी तब्दीली शादी है। हमारे हम जिस कम्युनिटी से वाबस्ता हैं, अकलियत से, पाकिस्तान में जो अकलियत हैं उनके साथ है, तो हमें कौन से वो टूल्स हैं वो इस्तेमाल करने हैं। जी मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक और आप देख रहे हैं JJ News। इस वक्त हम लोग सेंट पॉल पैरिश में मौजूद हैं, और आप जैसे कि जानते हैं कि NCJP के ज़रिए तमाम जो है वो यहां पर फोर्स कन्वर्जन और यूथ अवेयरनेस के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया था। हमारे साथ जो है वो NCJP की एक न्यू मेम्बर मौजूद हैं जिनका नाम इशबिल है, और वो सेंट पॉल पैरिश की ही जो है वो यूथ में भी एज अ मेम्बर हैं यहाँ पर। तो आइए इनके व्यूज़ लेते हैं कि ये क्या करती हैं और इनके क्या ख्याल हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से। मेरा नाम इशबिल सुहेल है, मैं इसी पैरिश से, सेंट पॉल्स पैरिश से बिलोंग करती हूँ। मुझे अभी कुछ वक्त ही हुआ है NCJP के साथ काम करते हुए, जिनके बहुत अच्छे सेमिनार्स होते हैं, और स्पेशली टॉपिक्स इनके इस तरह से होते हैं जिन पर वाकई काम होना चाहिए और उस पर इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। आज का हमारा सेमिनार फोर्स कन्वर्जन और फोर्स मैरिजेस पर था, जो कि यंग लड़कियों के साथ आजकल जो हो रहा है उन पर बहुत इंपॉर्टेंट है बात करना, और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें और सेमिनार्स NCJP करवाते रहें, ताकि एक अवेयरनेस मिलती रहे और एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है वो कम्युनिटी के जाता रहे। डैनियल बशीर साहब मौजूद हैं, इनके व्यूज़ लेते हैं कि इनका क्या कहना है, और एक ये इस पैरिश के मेंबर हैं और इस पैरिश में इनकी काफ़ी काविशें हैं और काफ़ी काम कर रहे हैं इस पैरिश में कम्युनिटी सर्विंग के हवाले से, तो इनके व्यूज़ लेते हैं। सबसे पहले मैं कहती कमीशन जस्टिस एंड पीस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत सेमिनार का इनेकाद किया, ताकि नौजवान इसके बारे में जान सके कि किस तरीके से पाकिस्तान में ऐसे कानून मौजूद है जिसके तहत हम अपने मुश्किलात का हल, खास तौर में फोर्स कन्वर्जन और जो है ना फोर्स मैरिजेस के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। तो आइए इनके व्यूज़ लेते हैं कि आज इन्होंने यहाँ पर जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया था, इनके क्या व्यूज़ हैं। थैंक यू सर। पहले तो मैं अपना JCOB TV का करना चाहूँगा, और आप लोगों ने मौका दिया। सबसे पहले तो बहुत सीखने का मौका था, जैसे कि आज बात हुई आपके फंडामेंटल राइट्स जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है उसके ऊपर बात हुई कि हमारे क्या हुकूक हैं, और फिर इसके बाद आज सिंध मैरिज एक्ट के ऊपर बात हुई कि 18 साल से उम्र कम मैरिज नहीं हो सकती। बहरहाल उस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुए। मैं शुक्रगुजार हूँ NCJP का और तबस्सुम भाजी का भी कि जिन्होंने इतना अच्छा काम किया और बताया, हमें अवेयर किया। हमारे साथ जो हैं वो एक यहाँ की यूथ मेंबर मौजूद हैं, केट डीन इनका नाम है, जो कि ACCA के स्टूडेंट भी हैं और एक पढ़ी लिखी नौजवान पर्सनैलिटी हैं। तो हम इनका व्यूज़ लेते हैं कि इनके क्या ख्याल आते हैं।
मैं तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल NCGP का थैंक यू करना चाहूँगी और मैम तबस्सुम का कि आज उन्होंने सेमिनार दिया। जैसे कि हमारे माशरे में लोगों को इतना अपने राइट्स का नहीं पता और आजकल के जो जैसे मतलब केसेस आ रहे हैं लड़कियों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ फोर्स कन्वर्जन के, तो हमें ये कि अपने राइट्स के बारे में पता चला कि हम क्या से मतलब कि अगर हमें किसी हेल्प की नीड हो, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स क्या है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये काफ़ी फ्रूटफुल हमारे लिए सेशन रहा, तो काफ़ी अच्छा रहा इसके लिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं JJ News, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। जी, मैं हूँ आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। हम इस वक्त सेंट पॉल पैरिश में मौजूद हैं और आज यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन के हवाले से और फोर्स मैरिजेस के हवाले से जो है वो सेमिनार का इनेकाद किया गया था। हमारे साथ बहुत ही अच्छे एक भाई मौजूद हैं जिनका नाम फैज़ान है, और ये आइए इनके व्यूज़ लेते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी, फोर्स कन्वर्जन पे मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहूँगा, मगर ये कि हमारे लोगों को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एजुकेशन से बहुत ज़्यादा लोग हमारे महरूम हैं। अगर तो एजुकेशन हो तो फिर इन चीज़ों की तरफ से हमें किस तरह को इस तरह के केसेस को टैकल करना है, किस अगर कोई हमारे साथ कोई एक्शन कर रहा है जो गलत है, उस तरह की चीज़ों से टैकल करना हमें आना चाहिए। तो हमारे साथ बहुत एक अच्छे भाई मौजूद हैं, केविन इनका नाम है, ये भी लॉ की जो है वो स्टडी इस वक्त स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो आइए इनके व्यूज़ लेते हैं। जी गुड इवनिंग, मेरा नाम केविन, मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में लॉ का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। जी आज ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन ऑर्गेनाइज किया गया नेशनल कमीशन ऑफ जस्टिस एंड पीस की तरफ से, जिसमें हमारी जो आज की स्पीकर थी मैडम एडवोकेट तबस्सुम यूसुफ, जिन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह अवेयर किया कि किस तरह हम पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन से कानून हैं जो हमें तहफ़ दिलाते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कभी हमारे साथ कोई ऊँच नीच हो जाए या हमारे किसी बहन बेटी के साथ फोर्स कन्वर्जन या फोर्स मैरिज का इशू उठ जाए तो हम किस तरह उसको तहफ़ दिला सकते हैं, आगे जाके हम प्रोटेक्ट अपने आप को और अपने घर वालों को कर सकें कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, ना कि होने के बाद हम स्टेप्स लें, स्टेप ऐसा होने से पहले ही हम अपने आप को महफूज रखें। जी आप देख रहे हैं JJ News, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।